दिल्ली से मुंबई का सफर अब लगेगा सिर्फ 12 घंटे में। इसका मतलब दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंच जाइए और रेलवे ने इस बड़ी योजना को दे दिया मंजूरी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इंडियन रेलवे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। तो चलिए आज का वीडियो अपडेट शुरू करते हैं। मुंबई दिल्ली के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलने लगेगी और इसका प्रस्ताव जल्दी पेश हो गया है। इसका प्रस्ताव मंत्रालय में गुरुवार को पेश कर दिया गया। इसकी सूचना रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा है। इस ट्वीट को अब तक 1000 से अधिक यात्रियों ने लाइक किया है और 140 यात्रियों ने रिट्वीट किया है। इसका योजना पर रेलवे करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च बता रही है और बता दें कि जुलाई माह के अंतिम में इसका काम किया गया था और जुलाई के महीने के बाद से काम को धीमी रफ्तार में किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका निर्णय लिया गया और अब इस महीने से काम में तेजी आई है और जल्दी इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस निरीक्षण व उसकी रिपोर्ट के बाद मंजूरी दे दी गई और 160 किलोमीटर की गति से दिल्ली के मुंबई बीच सफर 12 घंटे का हो जाएगा। रेलवे 2009 से 2020 तक दिल्ली मुंबई के बीच कई ट्रेन चलाने की कवायद शुरू कर रही है और जापान से आए नए दल ने दिल्ली मुंबई के बीच रतलाम से गोधरा तक के सेक्शन में कर्व को देखते हुए योजना को यह कर इनकार कर दिया था कि संभव यह नहीं हो पाएगा। इसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के बाद योजना को पंख देने का प्रयास हुआ है। टेलगो ट्रेन से होगा ट्रायल। जर्मनी से टेलगो ट्रेन के डिब्बे को लेकर 2018 में 5 से 6 बार जुलाई से लेकर सितंबर तक अलग अलग कई बार स्पीड ट्रायल हुआ। इसके बाद रेलवे ने स्वयं के अधिकारी पर भरोसा कराने में ही अच्छा समझा और जल्द ही ट्रायल शुरू करके परिणाम घोषित कर दिया गया। शुरुआत में रेलवे ने मुंबई से नागदा और नागदा से कोटा होते हुए दिल्ली तक अलग अलग चरण में स्पीड ट्रायल किया, जो काफी सफल रहा। दिल्ली रतलाम मुंबई के बीच यह ट्रायल हुआ और ट्रायल सफल होने के बाद बोर्ड के सदस्य ट्रैफिक स्वयं मैदान में उतरे। रेलवे बोर्ड सदस्य ने पहले चरण में बताया कि रेलवे ट्रैक को देखा गया और रेलवे ट्रैक दुरुस्त करने की मांग कही गई। रिपोर्ट के आधार पर रेलवे ने मुंबई रतलाम और नई दिल्ली के बीच अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की मंजूरी दे दी है और ये महत्वपूर्ण जानकारी डिटेल में चले जानते हैं। 160 किलोमीटर की गति होने से सफर 15 से 16 घंटा तक कम हो जाएगा और 12 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे माल ढुलाई के लिए चलने वाली मालगाड़ियों की गति भी बढ़ाई जाएगी और यात्रा से लेकर माल जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए रेलवे करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च करेगा और इस राशि से मंडल के कर्व को समाप्त करने पर कार्य होगा। अगले 3 से 4 वर्ष में ये गति बढ़ाई जाएगी और 4000 करोड़ में करीब 60% राशि रतलाम मंडल को व्यय होगा। तो ये था आज हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए इंडियन रेलवे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें।